Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। जीरो डे पॉजिटिव केसेस ज्यादा रजिस्टर हुए हैं और जीरो डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 9 पर, कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में भी आज करीब 62 केसेस रजिस्टर हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बसवेश्वर हॉस्पिटल के कंपाउंड में लगी आग। जी हाँ, वहाँ ओल्ड व्हीकल्स को आग लगी। व्हीकल को जो आग लगने की वजह नहीं मालूम हो रही है, लेकिन उसके अंदर फायर डिपार्टमेंट इमीडिएटली वहाँ पहुँचा और फायर को कंट्रोल किया। आई थी इस मौके पर वहाँ के जिम्मेदारों का क्या कहना है। आस्पत्र इवतु आकस्मिकवागि बेंकि हत्तिदे हिंदगडे धूपघाट पक्कदल्लि ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಆರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 4 ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳಿದ್ದವು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆರಿಸಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೂ ನಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನೂ ನಮ್ದು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವು ಹಳಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸುಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಂಥ ನಷ್ಟ ನಮ್ಮದೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾಯಿತು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. उसके बाद हम बात करते हैं जेडीएस लीडर नासिरुद्दीन उस्ताद का बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने बताया कि स्लॉटर हाउस को चलते हुए जिस तरह से कॉरपोरेशन ने जो डिसीजंस लिए हैं वो काफ़ी गलत हुए हैं. स्लॉटर हाउस यहां पर बना नहीं, जिसकी वजह से जो गोश्त खाने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है. साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर और बसवराज बोम्मई पर हल्ला बोला. उन्होंने कहा जिस तरीके से पोलराइजेशन किया जा रहा है, जिस तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स की जा रही है, बिल्कुल गलत है. चीफ मिनिस्टर के पास थोड़ी भी अगर मर्दानगी है, अगर वो अपने आप को इस कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर समझता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को वो लगाम लगाना जरूरी है. हमारे लीडर कुमार अन्ना ने वार्न किया है, अगर ये घटिया किस्म की सियासत, पोलराइजेशन की सियासत, मुसलमानों को टारगेट करने की सियासत, हिंदू मुसलमानों में तफरीका डालने की सियासत, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को खत्म करने की सियासत आज बसवराज बोम्मई करता है, तो कुमार अन्ना बर्दाश्त नहीं करेगा और जनता दल सेक्युलर का कोई वर्कर बर्दाश्त नहीं करेगा. कर्नाटक सेक्युलर था, ये सूफी और शरणों का सरजमीन है. यहाँ पे खाजा बंजनाज गेस्ट रहमतुल्लाह के सरजमी, यहाँ पे शरण बसवेश्वर की सरजमी, यहाँ पे हिंदू मुसलमान मोहब्बत के साथ भाईचारे के साथ रहे. कर्नाटका उसकी पहचान. हम एज ए सिटीजन्स, हमको गोश्त खाना है, हमको गोश्त चाहिए, और कॉरपोरेशन की गलती के वजह से, कॉरपोरेशन की नाहिली के वजह से यहाँ पर स्लॉटर हाउस नहीं बना है. अगर मंडे तक अगर गोश्त का जो है स्लॉटर का अगर परमिशन अगर नहीं देती है, जो जनता दल सेकुलर आवाम की जानिब से जो गोश्त खाने वाले लोग हैं उनकी जानिब से गुलबर्गा शहर के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे. इसकी वार्निंग भी हमने कमिश्नर को दे के आए हैं. कॉरपोरेशन ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर गुलबर्गा शहर के अंदर आज तक कोई एक स्लॉटर हाउस नहीं बनाया है. ये गलती किसकी है? ये गलती कॉरपोरेशन की है, गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की गलती है और साबिका सियासतदानों की है. आज बसवराज बोम्मई जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, ये सो कॉल्ड हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन जो किसी काम के नहीं है, छोटे मोटे हिंदुत्व के नाम पर जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनके हाथ में कठपुतली बन गए हैं. आज कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर एक डमी चीफ मिनिस्टर है. कांग्रेस पार्टी अपनी खामोशी रख रही है, साइलेंस मेंटेन कर रही है. मुसलमानों के हक में बात करने के लिए, सेकुलर लोगों के हक में बात करने के लिए कांग्रेस झिझक रही है. कांग्रेस खामोश रहने दो. कांग्रेस की खामोशी उनको सियासी फायदा देती है नहीं देती है, दूसरी बात. आज जनता दल सेक्युलर इस मामले के अंदर खामोश किसी सूरत में रहने वाली. उसके बाद हम बात कर रहे हैं रमजान की. जहां सऊदी अरेबिया में कई जगहों पर चांद नजर आ चुका है, जिसकी वजह से शाबान का जो महीना है 29 दिन का वो कंप्लीट हो चुका है. और सैटरडे यानी 2 अप्रैल से सऊदी अरेबिया और जहां पर भी जो गल्फ एरियाज हैं वहां पर जो है रमजान शुरू हो चुका है. और हो सके इंडिया के अंदर अगले दिन यानी कि संडे सुबह से जो है रमजान शुरू हो जाएगा. तहरीक खुदादाद के नेशनल प्रेसिडेंट साहेबजादा मंसूर अली, जो कि टीपू सुल्तान फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने आज जो मामला किया कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो हिस्ट्री को जिस तरह से टोन डाउन करने की जो कोशिश की जा रही है, सिलेबस और लेसन्स के जो कमेटी ने जो फैसला लिया है और जो प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा है उस पर कम्प्लीटली उन्होंने कंडम किया है और कहा है कि हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री ही रहेगी. इस मौके पर एडवोकेट सुभाष और कई सारे डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद रहे.
हजरत टीपू सुल्तान शहीद के सब्जेक्ट को लेकर जो प्रेस मीट बुलाई गई थी, उन तमाम प्रेस वालों का, न्यूज़ चैनल वालों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास करके कल उगादी हब्बा का सुभाषी गणित देता हूँ। और आज के रियासत के अंदर, हिंदुस्तान की रियासत ये जानी, तो मुसलमानों के हर सब्जेक्ट को धक्का देने की, एक सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंचाने की साजिश चल रही है। मैं समझता हूं ये साजिश आज से नहीं पैदा हुई, 1970 से जब से इमरजेंसी आई, जब से लेकर आज तक भी यही चीज़ चला आ रहा है मुसलमानों के साथ। कुछ सियासी पार्टियाँ सामने से छुरा भूकी, कुछ सियासी पार्टियाँ पीछे से छुरा भूकी, जबकि मुसलमान को वोट बैंक बनाकर हमेशा कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती रही। पिछले जब 2012 में सिद्धरामैया सरकार और कांग्रेस सरकार थी, टीपू सुल्तान चीफ की उम्र पैदाइश, सरकारी सतह पर ऐलान कर अपना वोट बैंक मजबूत कर लिए, जो मुसलमानों को इकट्ठा कर लिए। करने के बाद ये फ़र्ज़ था कि जितनी कांग्रेस सरकार थी, टीपू सुल्तान शहीद का हाथ पकड़ कर खड़ना चाहिए था। जैसे ही सरकार बीजेपी की आई रियासत कर्नाटक में, बीजेपी ने अपना काम किया कि मोदलने बारी नम सरकार बंद रहे येडियुरप्पा और ना वो तख्ती भी टीपू सुल्तान सब्जेक्ट था, उनका जो मैनिफेस्टो में वर्ड था उन्होंने उस पर अमल किया, क्योंकि कोई पार्टी अगर मैनिफेस्टो में वर्ड देती है तो उसको अमल करती है। लेकिन इस चीज़ के लिए इतना गहरा साजिश कर जहर जो घोल रही है बीजेपी, उसको मैं हजम नहीं करूंगा। आइंदा चलकर हजरत टीपू सुल्तान शहीद का सब्जेक्ट और टीपू सुल्तान शहीद का अल्फाज, तीन अल्फाजें हैं जो टाइगर ऑफ मैसूर एक, तीसरा सिल्क रिफॉर्मेशन टीपू सुल्तान, सेकेंड रॉकेट मैन करके। पहले तो टीपू सुल्तान शहीद को टाइगर ऑफ मैसूर, शेर मैसूर सारे दुनिया सराहती है, सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि नहीं सारी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जितने वॉरियर्स का नाम लिया जाता है, अलेक्जेंडर और टीपू सुल्तान शहीद का और नेपोलियन का, हिटलरों के साथ उनका नाम लिया जाता है। ही इज नॉट ओनली अ फिगर ऑफ कर्नाटका। उसके बाद हम बात करते हैं, SDPI ने आज गुलबर्गा में प्रोटेस्ट की अगेंस्ट द एनआरकी ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। डीसी ऑफिस के अंदर ये मामला चला, जहां पर SDPI के सभी लीडर यहां पर मौजूद थे। आइए देखते हैं उन सभी का क्या कहना है। टीपू सुल्तान का नाम किताबों से निकाल दिया जाए, एक मरे हुए शख्स से भी इतना डर है आपको? जिंदा से डरना तो समझ में आता है, आप लोग मुर्दों से भी इतना डर रखते हैं? इतने कमजोर, इतने डरपोक हैं आप लोग कि आप मुर्दों के ऊपर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को। इस वक्त हिंदुस्तान की पूरी जनता खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म हो गया, उसकी तो उन लोगों ने धज्जी उड़ा दी। ईडी क्या और हमारी कोर्ट क्या और हमारी पुलिस क्या, सब इन्होंने जेब में ठूस के रख लिए, जो कि शायद पेड क्रिमिनल्स हैं और वो आके पावर में बैठे हुए हैं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं बॉम्बई साहब, उनको लगता है कि एक बार गुजरात में ऐसा हुआ कि गुजरात कांड के बाद जो है प्रमोशन मिल गया और सीएम से कोई पीएम बन गया, तो ये बार बार नहीं होगा, ये शायद एक बार गलती से हुआ होगा। यहाँ पे रहने वाला हर सिटीजन, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मैं फिर दोहरा रही हूँ, हम उसके लिए खड़े हुए हैं। हम ना इंसाफी नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमें जहाँ गलत लगता है हम मुंह खोलते हैं। सबमिन डिजाइनर कलेक्शन, जी हाँ, रमजान में काफी सारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, 20% 25% 30% ऑफ तक। जी हाँ, दुकान हमारी पसंद, आप सबमिन डिजाइनर कलेक्शन का ये ऑफर चल रहा है, इस ईद को मनाए और भी खूबसूरत। सबमिन डिजाइनर कलेक्शन, जहाँ पर शॉपिंग करें और फ्री गिफ्ट्स पाए। सबमिन डिजाइनर कलेक्शन के ओनर्स हैं वसीम जागीरदार और समीर जागीरदार। एड्रेस है कोहरी कॉम्प्लेक्स बिसाइड सिराज मेडिकल, महबूबनगर, गुलबर्गा। Sparkers International School, admissions open from nursery to grade 10 for the academic year 2022-23. For more details, call the numbers on screen. Address, PNT Colony, Old Jurgi Road, beside Lukman College of Pharmacy, Kalaburgi. आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर। आप समझ चुके हैं कि सेकेंड लेटर क्या है, वो है यू, यानी कि आपकी सक्सेस आप पर डिपेंड है। डेली पॉलिटिकल शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी, आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली
प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गो हैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।